तो गाइस फाइनली यहाँ की साइड से आप देख सकते हो कि GTA 4 अपने एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर चलने लगा है और कितना ज़्यादा शानदार गेम है। यहाँ की साइड में देख सकते हो कि सामने के साइड में बीज वगैरह है और इधर के साइड में सीप खड़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ी। GTA 5 एक ऐसा गेम है जिसे कि हर कोई बंदा ने जरूर खेला होगा, लेकिन यदि बात करें GTA 4 गेम की तो दोस्तों GTA 5 के कारण ज़्यादातर बंदे GTA 4 गेम को नहीं खेलते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप GTA 4 गेम को किस तरीके से खेल सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर GTA 5 गेम है दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पर GTA 4 गेम है और इसे खेलने में भी आपको एक नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है। अभी देखो एक लेवल ऊपर का गेम है GTA 5, लेकिन यदि बात करें GTA 4 की तो ये भी काफी ज्यादा शानदार गेम है। तो इसे आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर किस तरीके से खेल सकते हो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इस वाले गेम को खेलने के लिए आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर आ तो सिंपल तरीके से आपको जाना है सर्च वाले आइकन के ऊपर और यहाँ की साइड में आपको सिंपल तरीके से सर्च करना है चिक्की। इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करोगे इस तरीके की एप्लीकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाकर इसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे यहाँ पर सिंपल तरीके से ओपन कर लेना है। तो यहाँ की साइड से आप देख सकते हो कि चिक्की एप्लीकेशन मेरे एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर ओपन होने लगी है। तो चलिए यहाँ पर डेली लॉगिन तो मैंने कर लिया। अब दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, मी वाले आइकन पर जाना है और किसी भी जीमेल आईडी से यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। किसी भी जीमेल आईडी से कर सकते हो। इसके बाद आपको आना एक्सप्लोर वाले आइकन के ऊपर और यहाँ की साइड में दोस्तों आपको मिलेगा एक सर्च वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ की साइड में आपको सर्च करना है GTA 4 इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ की साइड में देख सकते हो गेम आ चुका है GTA 4 द कंप्लीट एडिशन इस तरीके से। तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने प्ले वाला आइकन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको प्ले वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ की साइड में आप देख सकते हो कि प्ले है, नीचे की साइड में भी प्ले है। तो आपको दोनों में से एक किसी भी प्ले में क्लिक कर देना है। तो आपको सिंपल तरीके से ऊपर वाले प्ले के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ की साइड में आप देख सकते हो कि गेम अपने लगभग यहाँ से स्टार्ट होने ही वाला है। तो चलिए यहाँ पर आपको बस एक मिनट का इंतजार करना है और गाइस फाइनली मेरे सामने गेम के अंदर एंटर करने का ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर एंटर वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली यहाँ से आप देख सकते हो कि मैं GTA गेम के अंदर आ चुका हूँ GTA 4 और यहाँ पर चलिए हम सिंपल तरीके से क्या करते हैं कि प्ले वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। मुझे सिंपल तरीके का GTA 4 खेलना है। इसके साइड में भी एक और मोड था, वो वाला मैंने स्टार्ट नहीं किया। मुझे सिंपल वाला GTA 4 खेलना है तो मैंने सिंपल वाला यहाँ से स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हो किस तरीके से अपना गेम यहाँ से स्टार्ट होने लगा है। तो सिंपल तरीके से मैं ए वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि सीधे सीधे स्किप होते जाएगा, जल्दी जल्दी यहाँ पर लोडिंग होने वाली है और आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग की स्क्रीन कुछ इस तरीके की है। अभी देखते हैं किस तरीके की चीज़ें होती है। स्टार्टिंग का न्यू गेम इस तरीके से लिखा आ चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइनली गेम अपना यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और चलो देखते हैं अब किस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारी की सारी बटन आपको दी हुई है, RT, RV, RS, X, Y, AV और इधर LT, LV, LS, L और बाकी ये वाली बटन भी अलग से दी हुई है। ये सभी बटन हमें मिल चुकी है। अभी बस बारी यहाँ पर गेम के स्टार्ट होने की। तो बस गेम यहाँ से अपना स्टार्ट होने ही वाला है दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वर्ल्ड है वो पूरा लोड होता है, जिसके कारण का थोड़ा सा समय तो लगता ही है। लेकिन दोस्तों अब आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर खेल रहे हो। GTA 4 की यदि बात करें कितना हाईफाई गेम है, लेकिन एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर चला रहे हो तो थोड़ा बहुत तो रुकना पड़ेगा। लेकिन लेग की कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों मैं कई समय से खेल रहा हूँ, मुझे तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो सही तरीके से गेम अपना धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा है। और गाइस फाइनली यहाँ की साइड से देख सकते हो कि स्टार्टिंग में अपन को कार के अंदर छोड़ा गया है और यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से बाहर आ चुका हूँ। और आप देख सकते हो कि ये रहा अपना बंदा, जो कि एकदम कितना ज़्यादा मस्त दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एकदम ऐसा लग रहा है कि रात ही हो गई, बस ऐसे लग रहा है दोस्तों। मैं चलिए यहाँ पर सिंपल तरीके से गाड़ी में बैठ जाता हूँ और आपको थोड़ा सा गेम प्ले कर बताता हूँ कि किस तरीके से अपने ये वाला गेम चल रहा है। मैंने RT वाली बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि गाड़ी जो अपनी है चलने लगी है। LT से यहाँ पर रिवर्स आते हैं। चलिए दोस्तों मुझे जाना किधर है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जो भी हो अपन गाड़ी को यहाँ से अच्छे तरीके से मुड़का लेंगे। तो यहाँ पर जल्दी से मैं यहाँ पर LT वाले आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फिर अपन करते हैं RT वाले आइकन के ऊपर क्लिक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गाड़ी अपनी धीरे धीरे मुड़क रही है और दोस्तों बस मेरी गाड़ी यहाँ से मुड़क चुकी है और गेम यहाँ से अपना चलने लगा है। थोड़ा कैमरा एंगल नीचे कर लेता हूँ और फाइनली आप यहां पर देख सकते हो कि गेम अपना चलने लगा। और दोस्तों फाइनली यहां पर आप देख सकते हो कि मैं अपनी कार से यहां पर उतर चुका हूं। कार में जब घूम रहा था काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, इसलिए मैं नीचे की साइड में आ चुका हूं। और आप देख सकते हो कि जो अपना GTA 4 गेम है कितना सही तरीके से यहां पर चल रहा है। चलिए मैं यहां पर आपको थोड़ा बाहर की साइड में आकर बताता हूं। तो गाइस फाइनली यहां की साइड से आप देख सकते हो कि GTA 4 अपने एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर चलने लगा है और कितना ज़्यादा शानदार गेम है। यहां की साइड में देख सकते हो कि सामने के साइड में बीज वगैरह है और इधर के साइड में सीप खड़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ी और राइट साइड में देख
देख सकते हो कितना कमाल का वर्ल्ड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो GTA 4 गेम की तो अपनी खास बात है और आप देख सकते हो काफी सही तरीके से मेरे एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर चल रहा है, मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके का लेग देखने के लिए नहीं मिल रहा है और काफी सही तरीके से तो गेम चल रहा है। तो GTA 5 तो आपने बहुत खेला होगा, कभी दोस्तों GTA 4 के अंदर भी आओ, यहाँ पर भी काफी सही तरीके का माहौल आपको देखने के लिए मिल जाता है और जिस तरीके की चीजें होती है GTA 5 में बस उसी तरीके की चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। बस थोड़ा सा GTA 5 से थोड़ा डाउन गेम है, लेकिन दोस्तों नाम भी देखो ना GTA 4 है, वो GTA 5 है एक वर्जन ऊपर का। लेकिन दोस्तों गेम के अंदर तो कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिल रही, काफी सही तरीके से गेम चल रहा है, तो इसे भी आप यहाँ पर काफी आसान तरीके से खेल सकते हो। मैंने आपको सारी चीजें बता दिया कि किस तरीके से आपको GTA 4 गेम को खेलना है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।